नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों की जैसा बता दें, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी हैं। दोस्तों जैसा ही इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी सूचना आपको दे दी जाएगी, ताकि आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और तैयारी के लिए लग जाइए। दोस्तों ये जल्द ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा लेता है, ये अप्रैल और मार्च में इसकी डेट आ जाएगी कि जिसका एग्जाम्स कम है। दोस्तों इसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो पेपर होते हैं, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो दोस्तों मैं फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी तैयारी कराऊंगा, जिसमें से हिंदी इंग्लिश और आपका जीएस और रीजनिंग मैथ और करंट अफेयर्स ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं उनमें भी माइनस मार्किंग होती है। दोस्तों वो क्वेश्चन में भी क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक्स लेके आया हूँ। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने माइक्रो साइकिल, मीसो साइकिल और मीजो साइकिल्स पढ़ाया, उसको पढ़ लीजिए दोस्तों। वहाँ से दो नंबर आप दो क्वेश्चंस आपके 100% आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से भी आपका दो क्वेश्चंस 100% आएगा, इसलिए दोस्तों आप इनको ज़रूर पढ़िए और इनका नोट्स कंप्लीट धीरे धीरे बनाते चलिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम्स आएगा दोस्तों आपको ज़रूर वो हेल्प करेगा। दोस्तों मैं ऐसे ही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा फिजिकल एजुकेशन की बुक है, पढ़ाते पढ़ाते तो बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा, बट दोस्तों हम वो चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आने के 100% चांस है। दोस्तों यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों ये फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं, आज मेजरमेंट के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट्स के जो अंग हैं उनको मेजर करता है, जो भी है। तो देखिए पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है एल्गोन। एल्गोन क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक गोनियोमीटर होता है। दोस्तों नंबर 3 है मायोग्राफी। मायोग्राफी का वर्क क्या होता है? दोस्तों मांसपेशी के संकुचन मापन यंत्री, मांस जो मसल्स होता है, मसल्स का जो कंट्रक्शन होता है उसको मेजर करने के लिए मायोग्राफी का यूज करते हैं। दोस्तों नंबर 4 में क्या लिखा है? सिनेमेटोग्राफी। दोस्तों सिनेमेटोग्राफी का वर्क क्या होता है? खिलाड़ी की कौशल युक्त क्रिया का अध्ययन करता है, यानी जो किस खिलाड़ियों की कौशल युक्त क्रियाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। दोस्तों जो पांचवा दी है बायोप्सी टेक्निक, ये कहता है मांसपेशी तंतुओं का वर्गीकरण बायोप्सी टेक्निक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाना, यानी मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाना इलेक्ट्रोमायोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, डायनमोमीटर। दोस्तों जो डायनमोमीटर होता है वो स्ट्रेंथ मापने के काम आता है, यानी जो कमर है, पैर है, हाथ है आदि की ताकत को मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए डायनमोमीटर का उपयोग करते हैं। डायनमोमीटर शरीर की बनावट मापक यंत्र भी होती है, यानी शरीर का जो बनावट है उसकी भी मेजर करती है डायनमोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर है कि मैनोमीटर, ग्रिप स्ट्रेंथ, हाथों की पकड़ को मापता है, यानी हाथ की पकड़ को मेजर करता है। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर है स्थेटोस्कोप, यानी स्थेटोस्कोप होता है जो हृदय की धड़कन मापना, हार्ट बीट को मापना स्थेटोस्कोप, जिन्हें हम आला बोलते हैं, जो डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में आता है, दोस्तों इसे अच्छे से पढ़ लीजिए कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस यंत्र का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्किन फोल्ड कैलीपर दोस्तों ये जो हमारा ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, उसको मेजर करने के लिए स्किन फोल्ड कैलीपर का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये भी बहुत जगह पूछा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है 13 नंबर स्टेडियोमीटर, यानी जो मानव की लंबाई है, ऊंचाई है, उसको मापने का यंत्र स्टेडियोमीटर के अंतर्गत आता है। एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड शरीर की विभिन्न अंगों की लंबाई को मेजर करता है, एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोलियोमीटर, यह रीढ़ की हड्डी का तिरछा या झुकाव को मापता है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसके बाद है दोस्तों स्पाइनोग्राफ। स्पाइनल से दोस्तों स्पाइनोग्राफ बना हुआ यह रीढ़ की हड्डी का तिरछा तथा झुकाव को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटराइज्ड क्रोमोग्राफी, शरीर में किसी असामान्य विकृति का पता लगाना कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। स्पीडोमीटर दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। स्पीडोमीटर क्रिकेट की गेंद की रफ्तार को मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। इसी प्रकार जो जब एथलीट दौड़ता है तो उसकी रनिंग को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर लगाया जाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधित असमानता का पता लगाने के लिए ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। EEG मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए EEG कराया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 21 आतासलाइजर, ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का शरीर में पता लगाना आतासलाइजर्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मैजिक आई जेबलिन की दूरी को मेजर करने के लिए मैजिक आइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल के उपकरणों में हवा का दाब मापता है प्रेशर गेज से ही दोस्तों खेलों के जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें हवा का प्रेशर मेजर करते हैं। इसके बाद आँखों की दृष्टि मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो दोस्तों आँखों की दृष्टि को दूर करने के लिए हम इसका मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 स्पाइरोमीटर, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। स्पाइरोमीटर किसको मेजर करता है, फेफड़ों की कुल क्षमता यानी लंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए स्पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विंड गेज, हवा का वेग मापता है। विंड वंड गेज हवा की दिशा मापक यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टैरोमीटर, श्वसन दाब को मापता है। टैरोमीटर श्वसन दाब को मापता है। नेक्स्ट 29 एर्गोमीटर, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस या क्रिया के दौरान ली गई ऑक्सीजन की मात्रा को एर्गोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइकोमीटर यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। ट्रेडमिल कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करता है। पैडोमीटर दोस्तों जो पैडोमीटर होता है वो फ्लैट फुट को चेक करता है। नेक्स्ट है दोस्तों पैडोग्राफ फ्लैट फुट को मापने का कार्य करता है। शटल रन एजिलिटी व स्पीड का मापक परीक्षण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 35 सिटअप्स जो होता है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को मेजर करता है। पुलअप्स दोस्तों होता है वो आर्म स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को मेजर करता है। इसके बाद लियोनोमीटर संतुलन मापने का कार्य करता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर यानी वसा लीन बॉडी मास को मापता है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर TGT KVS NVS या LT ग्रेड पे आता है कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या मेजर करता है, तो एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग को मेजर करता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसके बाद मेडिसिन बॉल थ्रो, जिस प्रकार दोस्तों स्टैंडिंग ब्रॉड जंप लेग की पावर को मेजर करता है एक्सप्लोसिव, इस तरह मेडिसिन बॉल एक्सप्लोसिव पावर ऑफ आर्म को मेजर करता है। इसके बाद दोस्तों वर्टिकल जंप होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ मापक यंत्र हमारा वर्टिकल जंप होता है। और दोस्तों इसको भी आप बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों, ये अधिकतर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज हमारा क्या डेवलपमेंट करती हैं दोस्तों, जो पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज होती है वो एक्सप्रेसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, इसको भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। होमोसाइटोमीटर दोस्तों होमोसाइटोमीटर जो होता है रक्त के pH मान को मेजर करता है। इसके बाद 44 है वेस्टिबुलर संतुलन को बनाए रखने के लिए वेस्टिबुलर करते हैं और टेलीमेट्री रिकॉर्डिंग ऑफ द मूवमेंट को करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है शरीर के विभिन्न भागों के अध्ययनों के नाम, दोस्तों अधिकतर यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप करता है कि काइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, काइटोलॉजी के स्टडी ऑफ सेल, मायोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ मसल्स, नेफ्रोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ किडनी, कार्डियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ हार्ट एंड कार्डियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ ब्रेन,
एंथ्रोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ जॉइंट, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ टिश्यू एंड ऑस्टोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ बोन, सेरोलॉजी के अंदर रक्त का सीरम प्लाज्मा का अध्ययन स्टडी ऑफ ब्लड सेरम एंड क्रायोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर यहाँ से दो क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में विशेष स्किल से जुड़ी मांसपेशियों के नाम। दोस्तों अधिकतर पूछ लेता कि बॉक्सर मसल्स का नाम क्या है, दोस्तों चार ऑप्शंस रहेंगे तो उसमें जो लिटमस डॉर्सी है उसे हम बॉक्सर मसल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद है थ्रोअर मसल, दोस्तों जो थ्रोअर मसल होती है उसे हम पेक्टोरियस मेजर के नाम से जानते हैं। इसके बाद टेलर मसल यानी सबसे लंबी मसल्स का नाम सार्टोरियस है, इसलिए इसे टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं। मलखम मसल्स, एडक्टर मॉन्ग्स एंड राइडर मसल्स, दोस्तों एडक्टर मॉन्ग्स और रोइंग मसल्स होती है लिटमस डॉर्सी, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोइंग मसल्स लिटमस डॉर्सी, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। लिटमस यानी लिफ्टर मसल्स होती है डेल्टॉइड, स्विमर मसल्स जो तैराक होते हैं वो डेल्टॉइड और लिटमस डॉर्सी दोनों का यूज करते हैं। कॉफ मसल दोस्तों गैस्ट्रोनोमियस एंड राइडर क्लाइंबर मसल्स जो राइड करते हैं दोस्तों जो चढ़ते हैं वो लिटमस डॉर्सी का यूज करते हैं। दोस्तों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स से हैं जो इनका जो दूसरा नाम अधिकतर पूछता है, तो दोस्तों आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब